फोने भी देखो अच्छा मंगाली भाई श्याम सुख मंगाली भाई श्याम जी आया उसे नाल में चैन से जुयांग मजिल लक्ष्मी जो गाड़ी बुक हाँ हरसा डमरा सिंह मुझे खे गया अक्सर दिन गुंडे गेम फिर तो आए क्यों तो लोग आयो गा में लापता अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा जानी। इस वक्त मैं हमीदगढ़ चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इलाक़ाए तुरमी के गाहिला गलसखोर के ख़वातीन समेत बच्चे बुज़ुर्ग सब यहाँ पर हमीदगढ़ चौक पर सरापा एहतजाज है। और इसकी वजह यह है कि कुछ रोज़ कबूल वहाँ पर एक तशवीश पाई गई, वहाँ पर इलाके को आग लगाई गई जिसकी वजह से पूरा इलाका तशवीश का शिकार थे। हमीदगढ़ चौक पर आपके मुंतज़िर यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इस हवाले से यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी तहरीक पाजान सिकरदू के मेम्बरान भी इस एहतजाज में शरीक है। नजफ अली भी यहाँ पर मौजूद है और इनसे हम इस एहतजाज के हवाले से बात करते हैं। दिखाएंगे तुम सैयद बनकर इधर शिया मसलक का इस्तेमाल कर तुम ढोंग रचता है डीसी शराजी, तुम्हें भी हम घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। साथ कोई मकामी सहूलतकार हो अमायदीन की शक्ल में, उल्मा की शक्ल में, सैयद सादात की शक्ल में, लेकिन तुम नहीं बचेगा क्योंकि आज तुमने मेरी इस कौम की माँ बहन इन बच्चों को इस ठंड में, तुम शर्म करो, तुम बाहर आओ, इस कौम की इज्जत से माफ़ी मांगो इनके बच्चों के साथ, इनके भाइयों के साथ, इनके बापों के साथ जो तुमने ज़्यादती की है, इनसे माफ़ी मांगो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। जब तक अवामी एक्शन कमेटी के सरबरा हमें कहेंगे हम इधर मौजूद रहेंगे और ये जो हुक्म करेंगे हमें, इनकी टीम और ये हमें जो हुक्म करेंगे, हम इन माँ बहनों के लिए सलाखें जेलें हर चीज़ काटने के लिए तैयार है, लेकिन कभी सौदा नहीं करेंगे। वज़ीर हसनैन मरेगा तो हुसैनी बन के मरेगा, हुसैनियत की शक्ल में यजीदी किरदार बन के नहीं बैठेगा। वसलाम जी। तो इस वक्त एहतजाज से एहतजाज धरना जारी है। नज़र काजिम साहब यहाँ पर मौजूद है। नज़र साहब, ख़वातीन यहाँ पर रोड पर आए हैं, पूरा अहले मोहल्ला इस वक्त तशवीश का शिकार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग है वो भी यहाँ पर इस एहतजाज में शामिल है। बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात क्यों रुनुमा होते हैं और इनके ऊपर किन का हाथ होता है जिसकी वजह से जो बासर शख्सियात है वो दंदनाते फिर रहे होते हैं और जो मजलूमीन हैं वो सड़कों पर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माजानी भाई। असल में ये चीज़ें इसलिए हो रही है, अभी आप हर चीज़ को कवर कर रहे हैं, हर चीज़ को कवरेज दे रहे हैं, हर एहतजाज में जा रहे हैं। आप भी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में देखें, जब भी हक हुकूक की आवाज़ बुलंद होती है, जब भी हम अपने हक हुकूक लेने की कोशिश करते हैं, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के और हुकूमत वक़्त के कुछ आलाकार होते हैं, कुछ बिके हुए लोग होते हैं जो हमेशा आवाम को हक हुकूक से पीछे रखने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखें, ये बेचारे तुर्म के बेचारे आवाम ये किसी के घर को क्यों आग लगाएंगे? वहाँ पे तो हम ऐसे कौम हैं, हमारे ऐसे कौम से ताल्लुक़ है कि हम आपस में भाइयों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, हमारे एक बिल्कुल एक घर की तरह रहते हैं। मगर कुछ सरकारी रिटायर्ड मुलाजिमों को इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सरकारी जो रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं उनकी पेंशन चलती है, उनको हमेशा जो है सरकार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अभी आप देखें, जब गिलगित बल्तिस्तान में ये जो अभी हक हुकूक की बात हो रही, तो अभी आप कराकरम यूनिवर्सिटी में देखें, वहाँ पे तलबा को बाहर निकाला हुआ है। आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान में देखें, आवाम को रोड पे निकाला हुआ है। तो जो जिद्दोजहद करने वाले हैं, जो मज़ाहमती अलमबरदार हैं, उनको इन चीज़ों से रोकने के लिए मुख्तलिफ केसों में, मुख्तलिफ शक्लों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये हम ज़िली इंतज़ामिया को भी बताना चाहते हैं, हुकूमत वक़्त को भी बताना चाहते हैं और जो इन इदारों के जो आलाकार और
सहूलतकार हैं उनको भी बताना चाहते हैं। इन चीज़ों से मज़ीद अवाम में बेचैनियाँ बढ़ जाएगी, हक हकूक़ की आवाज़ में मज़ीद जो है तेज़ी आएगी, जद्दोजहद में मज़ीद तेज़ी आएगी। ये जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके ये चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम इन आवाज़ों को बंद कर देंगे, मगर इन आवाज़ों में मज़ीद जान आएगी, इन आवाज़ों में मज़ीद क़ुव्वत आएगी। और अभी आप देखें, ये मेरी माँ बहनों को भी अब इन्होंने रोड पर निकाला है। अब इंशाल्लाह मैं इसी आपके मीडिया के वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, अब गिलगित बल्तिस्तान में जुल्म जबर जो है की इंतहा को पहुँची है, अब गिलगित बल्तिस्तान को बलूचिस्तान से भी आगे लेके जाया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर से भी आगे लेके जाया जा रहा है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में एक मुनज़्ज़म, खुसूसन बल्तिस्तान को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है ख़राब किया जा रहा है। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान भी समझ चुके हैं, माँ बहनें भी समझ चुके हैं, अवाम भी समझ चुके हैं। इंशाल्लाह अवाम अब तैयार हो चुकी है, अब इंशाल्लाह हम ईंट का जो है जवाब पत्थर दे देंगे और इंशाल्लाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान, इंशाल्लाह अभी आप आने वाले 30 तारीख तक जो है पूरा गिलगित बल्तिस्तान की माँ बहनें भी आपको रोड में नज़र आएंगे। और जब तक इन ये जो गरीब लोग हैं, ये बेचारे महकूम लोग हैं, इनको जब तक इल्ज़ाम इंसाफ नहीं मिलेगा, हम एक दो अभी आज हम देखते हैं कि इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिला तो गिलगित बल्तिस्तान रोड को जो है इनको इंसाफ मिलने तक हम बंद रखेंगे। और इसके पीछे जो है वह भी वफाकी आलाकार हैं, सहूलतकार हैं, और हमारे कुछ जो है मुकामी आलाकार सहूलतकार हैं, और इंशाल्लाह हम इनको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया नज़र काजमी साहब। यहाँ पर नजफ़ अली साहब भी मौजूद है। नजफ़ साहब बताएगा कि अहल इलाका इस वक्त वहाँ पर तशवीश का शिकार है। हमें जहाँ पर ख़बर मिली कि वहाँ पर एक बार फिर आग लगाया गया है, पूरा यहाँ हमारे जो नीचे के एरियाज़ के लोग भी वहाँ पर आग बुझाने गए हुए हैं। यहाँ की उस वो ऐसा इलाका है जिसके अंदर ना रेस्क्यू का निज़ाम है ना कुछ, ना आप बेहतर जानते हैं, तो आप बताएगा कि एक बार फिर वहाँ पर अहल इलाका अहल महल्ला वहाँ पर तशवीश का शिकार है। यहाँ पर ख़वातीन सड़कों पर है, इस कर्दू की यहाँ पर इस हमीदगढ़ में आने के बाद यहाँ पर डीसी के ऑफिस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर DIG साहब भी नहीं है, तो आप बताएगा कि इनका जो इनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा, इंसाफ देने वाला कौन है? यही तो मसला है जनाब। हम अरसा मतलब 3 सालों से हम इंसाफ के लिए दर बदर है। हम तमाम महकमों के दफातर के तक मतलब तवाब करके हम थक चुके हैं। मतलब 20 तारीख को हम इस हवाले से हमने कमिश्नर मतलब इधर SSP साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। SSP साहब ने वादा किया था कि हम आपको इंसाफ दिला देंगे, लेकिन 20 तारीख से अब तक पे दर पे हमारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, हमारे लोग गिरफ्तार है। आज तो मतलब तुरमी से 3 गाड़ियाँ खवातीन लेके आए थे। हद तो ये है शाह साहब भाईजान कि भाई एक गाड़ी को छोड़ा गया, निकले थे, बाकी 2 गाड़ियों को थार के SHO ने मतलब पुलिस के जरिए वापस तुरमी लेके गए। अब हमें मतलब इंसाफ के लिए स्कर्दू आने की भी इजाज़त नहीं है, ना हमें वहाँ इंसाफ मिलती है, ना हमें इंसाफ के लिए स्कर्दू आने की इजाज़त नहीं। तो हम समझते हैं कि अब हमें स्कर्दू में कोई मुनासिब जगह फराहम करें, हमें कोई रहाइशगाह दे या हमारा टेंट लगा कर हमारे लोगों को बैठने की जगह, ताकि यहाँ सुकून से रह सके, अपने बच्चों की पढ़ाई जो है ना आगे चला सके। तो अभी ये जो धरना है, एहतजाज है, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें इंसाफ की यकीन दहानी नहीं होगी हम ये धरना जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे खुशी है हमारे स्कर्दू के जिंदे दोस्त अहबाब है, हमारे स्कर्दू के जिंदे हक परस्त साथी वो आज हमारे सामने है। इंशाल्लाह जूँ ही ये सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलती जाएँगे, लोग हमारे साथ जुड़ते जाएँगे, और दिन हो रात हो जब तक हमें इंसाफ की यकीन दहानी नहीं होगी हमने यहाँ पर रहना है। बहुत शुक्रिया नजब साहब। इस वक्त एहतजाज में ख्वातीन भी यहाँ पर मौजूद है, और ये तो वाचिक दिन दे गुंडे खुरी आ घोसपना स्कूल हाँ फोने भी तो सब्जी ला हेर भाई दू सब्जी ता भाजी आ तो मंगाली भाई श्याम सुख मंगाली भाई श्याम जी आई आऊँ से ना ला मैं श्याम से जी आऊँ मजी ला ये तो संसद जी ना ला मैं श्याम ना आई गुबान जैसे बंदोबस्ती कदीमी लम से बन दिया लमी जारी सो फिंजू दि हक्का पक्का गाँव लमी जारी हाजू से जो कल इरीम सुरीम आई फ्लू जी भी खाऊ लोग सुमिन
जैसे गरीब खांग हरता डमरा सिंह मुझे आखे के अक्सर दिन गुंडे गेहूँ फिर तो आए क्यों तो लोग आयो गा मेला पता गई आते मीमा गाँव में जी क्यों से पिन या बुस्तिन चीज अरे हा बुस्से चिक बुस्तिन चीज अरे हा जहाँ तो खोन जिलेरी पिन जू गया जहाँ पर खिल भी ट्रेडिंग गया ले जर भी ट्रेडिंग हाथ पटवाली खाली साइन चुक लो जू जी। इस वक्त ख्वातीन और अहले महिला यहाँ पर सरापा एहतजाज है। हसन साहब यहाँ पर मौजूद है। हसन साहब बताएगा कि अहले इलाके को अहले महिला को इस वक्त तौर में ये खबर मिली है कि वहाँ पर आग लगाई गई है। जो महिला है उनके घरों को आग लगी हुई है। रेस्क्यू का वहाँ पर निज़ाम नहीं है। यहाँ पर ख्वातीन समेत जो बूढ़े हैं इस तमाम यहाँ पर इस हमीदगढ़ चौक पर यहाँ पर एहतजाज है। सरापा बताएगा कि बहसियत शहरी इनको इंसाफ फराहम करने वाला कौन है? शुक्रिया जी। असल में इंसाफ तो फराहम करने की जो जिम्मेदारी है बुनियादी जिम्मेदारी तो वो पुलिस वालों की है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है कि पुलिस वाले ख़ुद फरीक बने हुए हैं, यानी वो बिना तहकीक कोई भी दरख्वास्त आते हैं तो दूसरे फरीक के ख़िलाफ़ जो है ना डायरेक्ट जो है ना एफ आई आर कर रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि तोरमिंग में किसी शादी के सिलसिले में उसी गांव में मैं गया हुआ था, तो वहां पे तहसील के तरफ से एसी की तरफ से वहां पे कोई दो ऑफिसर आए हुए थे, एक पटवारी दूसरा कानून को। तो वो उनको भेजने का मकसद बुनियादी मकसद वो जो रास्ता खुलवाना था जो शहराए आम एक बंदे ने बंद रखा हुआ था उसको खुलवाने के लिए जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो जिस बंदे ने रास्ता बंद कर रखा है उसकी जो अहलिया है उसने कहा है अगर गांव का कोई फर्द अगर इनके साथ ऊपर जाते हैं तो मैंने नहीं बख्शना है। तो सारे गांव वालों को इतना खौफ था, ये मैं जो है ना वहाँ पे मौके पे देख के हूँ इसलिए बता रहा हूँ, तो इतना खौफ था कोई उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिर्फ दो सरकर्दे उनके साथ ऊपर तक गए। जैसे वो ऊपर पहुँचे तो उस खातून ने उनको गालम गलौज बदतमीज़ी करके उनको वापस भेज दिया, रास्ता खुलवाने नहीं दिया। जब नीचे पहुंचा वो काफ़ी बहस मुबाहसा कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे जो उनके तहसील ऑफिस में से जो आए थे ऑफिशियल मैंने उनसे पूछा जनाब क्या ये कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं है, क्या इनके ख़िलाफ़ एफआईआर नहीं होना चाहिए? उसने कहा बिल्कुल बनता है, तो फिर आप क्यों नहीं करते? कहते कि अभी हम नीचे जाके एसी साहब को रिपोर्ट देंगे तो इंशाल्लाह हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। चलो ठीक है जी। अगले दिन शादी ख़त्म हो गई, हम इधर आ गए, फिर हमें खबर मिली भाई वहाँ पर तो कोई आग लगी है। ठीक है ना, हमने सोचा हो सकता है यार वो बच्चे ऊपर लकड़ियाँ लेने जाते तो जाते खेल कूद में, हो सकते कहीं किसी झाड़ी में आग लगाया हो। तो बाद में बच्चे नहीं भाई किसी घर को आग लगाया है। तो अब घर को आग लगते ही अगले ही लम्हे कहा कि भाई कोई 15 लोगों पर एफआईआर भी हो गया है। और कमाल ये है एक बंदा जो इस्लामाबाद में है ड्यूटी दे रहा है, दो दिन पहले उसने अपना जो रुदात सुनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया था कि मेरे वालिद को परेशान किया जा रहा है, उस पर भी एफआईआर। यानी वो भी घर जलाने के लिए वो इस्लामाबाद से रातों रात हेलीकॉप्टर में तुरमिक पहुँचा है। तो अब पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे शायद किसी के प्रेशर में आया होगा, शायद कोई लालच होगी, तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एफआईआर करके आज वो 13 लोग दर बदर है, दो तीन दिन धार में गुजारा है, अब जाके जो है ना वहाँ पे जुडिशल है। तो मैं आला हुकाम से डीआईजी बल्तिस्तान रीजन, कमिश्नर बल्तिस्तान रीजन, डीसी, इन सब से गुजारिश करता हूँ इसके लिए कोई कमीशन बनाए और वहीं के मकामी लोगों से पूछा जाए, बाहर से नहीं, दूसरे जो गांव है, जो मेरा ताल्लुक उस गांव से तो नहीं है लेकिन मैं तुरमिक का हूँ, तो जाहिर है वहाँ तुरमिक के 16-18 गाँव है, किसी भी गाँव के कोई सरकर्दा बुला के उनसे पूछे क्या इससे पहले इन लोगों ने किसी जो है ना मुर्गी को भी मारा है, किसी बकरी को भी मारा है, या किसी का कोई घास फूस को आग लगाया है, कोई ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? मेरे ख्याल से तोरमी का सबसे जो शरीफ तरीन लोग हैं ना वो इसी मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के सुना है वो बंदा किसी अहम सियासी शख्सियत के घर में काम करता है तो वो फिर पूरे गाँव को हाइजैक किया हुआ है। अब इस वक्त पूरा मोहल्ला जो है ना उसके खौफ की शिकार, खौफ का आलम यह है, अभी मुझे खबर मिली है जिस घर को अभी आग लगी है उसको बुझाने के लिए करीब के मोहल्ले से किसी को आने की जरूरत नहीं हुआ है और कोई 2-2.5 किलोमीटर नीचे से लोग जाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह के जो जराइम है, जो क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग हैं इनको काबू किया जाए, ये पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। तहकीक करें, वाकई में अगर वो मोहल्ले वाले अगर जिम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बनता है, लेकिन बराह रास्त बिना तहकीक इस तरह के एफ आई आर करना न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि जो है ना इंसानियत की तजलील के बाइस बनता है। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया हसन साहब यहाँ पर जो कि इस इलाके का मकीन भी है और
तमाम रुदात आप सुनने के बाद बखूबी आगाह होंगे कि एहतजाज की नोयत क्या है और एहतजाज किस बिना पर किया जा रहा है। और सुनने में आया है कि दो तीन गाड़ियां आनी थी तोरमिक से, उनमें से दो गाड़ियों को रोक दिया गया है और एक गाड़ी यहां पर स्कर्दू पहुंची है। तो ये अलमिया है यहां का, इंसाफ के मुंतजर ये मजलूमीन इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ आसमा जानी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।